अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो पेरेंट। आज मैं आपको बताऊंगा गूगल सर्च कंसोल के बारे में। दोस्तों, सर्च कंसोल के बारे में मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बनाया है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया कि इस गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट को ऐड किस तरह करते हैं और वेबसाइट के साइड मैप को किस तरह गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हैं। आपने ये दोनों चीज़ों को फॉलो किया फिर भी आपका पोस्ट गूगल में इंडेक्स नहीं है, तो आज मैं आपको बताता हूं कि आप अपने पोस्ट को सर्च कंसोल में गूगल में किस तरह इंडेक्स करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आप अपने पोस्ट को किस तरह गूगल में इंडेक्स करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर वक्त इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना वेबसाइट इधर सेलेक्ट करना है। जब आपने अपना वेबसाइट सेलेक्ट किया तो आपको ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आपको इस क्रोलिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो दोस्तों, जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपको ये एक्सक्लूडिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपको नीचे आना है। तो दोस्तों, ये सब चीजों को इधर शो कर रहा है, ठीक है ना। आपको देखो आपका कौन सा पोस्ट रैंक कर रहा है, कौन सा आपका पोस्ट रैंक नहीं कर रहा है। आपको ये ऑप्शन, आपको ये नजर आ रहा है नो इंडेक्स का, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। तो दोस्तों, जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो दोस्तों ये आपके 11 पोस्ट है, आपके ये गूगल में इंडेक्स नहीं है। आपको ये इधर से इंडेक्स करना है। मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि आप सर्च कंसोल में किस तरह इंडेक्स करते हैं। तो वैसे ही ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स कर देता है। अगर आप जल्दी में हो कि मेरा पोस्ट जल्दी गूगल में रैंक करें, गूगल के सर्च में जल्दी आ जाएं, तो आप इसको इधर से जल्दी से इंडेक्स कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह इसको इधर से इंडेक्स करते हो। तो दोस्तों, आपके जिस पोस्ट के आगे HTML लिखा है आप उन पोस्टों को इधर इंडेक्स करो, ठीक है। आपको इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इधर क्लिक करते हैं तो आपको ये इंस्ट्रक्ट URL के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो फिर आपको इधर ये रिक्वेस्ट इंडेक्स का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। तो फिर इधर ये ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो फिर आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। तो दोस्तों, देखो इधर सही का निशान लग गया, ये ग्रीन हो गया। पहले इधर ब्लैक था, अब ये ग्रीन हो गया। तो दोस्तों, ये आपका पोस्ट गूगल सर्च में इंडेक्स हो गया। देखो इधर लिखा URL is enabled to Google। तो दोस्तों, ये बेस्ट तरीका है। आप एक एक करके अपना पोस्ट को इधर से इंडेक्स कर सकते हो और फिर आपका पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इधर से नहीं करते हो तो फिर अपने वेबसाइट में जाओ, अपने वेबसाइट के पोस्ट के URL को कॉपी करो। जब आप अपने वेबसाइट के पोस्ट के URL को कॉपी करते हो, फिर आके इधर ये सर्च बॉक्स नहीं है, आपको ये सर्च बॉक्स में पेस्ट करो। जब आप इधर इसको पेस्ट करते हो तो फिर आपको ये लाइव टेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, फिर इसको इधर से क्लिक करो, आपका पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। तो मैंने ये आपको रियल तरीका मैंने बता दिया कि आप अपने पोस्ट को किस तरह गूगल में इंडेक्स कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आसान मेथड था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो आप पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर वक्त इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ।